जग्गू को मिलेगी माई। दादा अब बाबा और बिल्ली मौसी के ब्याह के लिए नाच रहे हैं। और तू भी नाच 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 नाच। दादा बिल्ली मौसी बाबा का ब्याह खाए हो रहा है। कहा है कि तुम्हारी बिंदी मौसी तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती है और तुम्हारे संग तुम्हारे बाबा का भी ख्याल रखती है, तुम्हारे खाने पीने और दवाई की व्यवस्था करती है, एक माँ की तरह तुम्हारा ख्याल रखती है। जब सब कुछ वही करती है तो तुम्हारी मौसी अगर तुम्हारी माँ बन जाएगी तो ये कितना खुशी का बात होगा ना। दादा ये बात आपने हमको पहले का नहीं बताई। हमने तो तुम्हारे बाबा को भी नहीं बताई। पर अब पूरा बस्ती जानेगा। दादा हमें बाबा के पास जाने, हमें ले चलिए ना। कहीं नहीं जा सकती तू अभी। जब तक बड़की मलकिनी का दिया हुआ काम पूरा नहीं होता तब तक तू कहीं नहीं जा सकती। बाबा का ब्याह हो रहा है, हम कैसे नहीं। बेटा एक बात ध्यान रखना हमेशा, हवेली का हर एक बात पत्थर का लकीर। तू जा, जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा हम ब्याह का कोनो विधि शुरू नहीं करेंगे। काम ही इसको ऐसा मिला है कि ना काम खत्म होगा और ना ही विधि पूरी होगी। झूठ झूठी होता है और जग्गू ने मुझसे झूठ बोला। जागृति ने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है बेटा। उसने सबके सामने दिखाया ना कि उसने मैथ सॉल्व नहीं किया, उसने तो बस चित्र बनाया। जागृति कोई भी चीज देख लेती है ना तो उसे अपने दिमाग में बिठा लेती है और फिर ठीक वैसा ही बना देती है। मतलब उसे ये एडिशन नहीं आता है। नहीं, ये तो उसके तेज दिमाग का कमाल है। जागृति जो भी देखती है उसकी फोटो उसके दिमाग में छप जाती है, जिसकी मदद से वो ठीक वैसा ही बना सकती है। इसलिए उसने जो ब्लैक बोर्ड पे देखा था ना वैसा ही बना दिया। तुमको रुपल्ली नहीं पता, ये है 100 रुपल्ली। ये 10 रुपया है, 100 नहीं। इस 100 रुपल्ली नहीं है। नहीं, लेकिन कुछ और ने तो हमको ये बताया था। सॉरी, मुझसे ना एक गलती हो गई। मैंने गुस्से में ना उसका वो टास्क खराब कर दिया था। वो मुझसे हेल्प मांग रही थी चीनी और सरसों को अलग करने के लिए और मैंने उसमें पानी गिराकर खराब कर दिया। लेकिन माँ उसे वो इम्पॉसिबल टास्क मिला क्यों? क्योंकि उसने बिना किसी से पूछे तुम्हें खाना पहुंचाने के लिए स्कूल गई। ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैंने उसका काम बिगाड़ दिया। अरे वानन्ने सरकार, आपने तो हमारा काम ही बना दिया। गलती से ही सही, पर आपने फिर से हमारी मदद कर दी।